अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं व्हाट की चाट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें इसमें तीन इंग्रेडिएंट्स चाहिए, गेहूं का आटा, सॉल्ट और अजमा। अब हम डाल रहे हैं 2 वाट की भर के आटा। अगर आपको कोई और आटा यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो, पर प्रिपरेशन स्पेशल है तो हम सिर्फ गेहूं का आटा यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे अजमा। अजमा ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डालिए, नहीं तो मत डालिए। सॉल्ट एज पर टेस्ट। हमने 1 चम्मच अजमा लिया है। अब हम इसमें मोहन डालेंगे। मोहन 2 चम्मच तेल डाल रहे हैं हम लोग। आप लोग मोहन डालिए क्योंकि मोहन से ना अच्छा सा बाइंडिंग आएगा और हमें सख्त बांधना है आटे को, इसलिए हमें मोहन डालना ज़रूरी है। अब हम गरम पानी डाल रहे हैं। गरम पानी से ना अच्छे से फटाफट गुन जाता है हमारा आटा, और जनरली कभी भी कोई भी आटा बांध दो तो गरम पानी का यूज़ करें, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप देख सकते हो कि हमारा सख्त आटा बन चुका है और अब हम इसे बेलेंगे। तो हमने एक पूरी लिए हैं, पूरी को बेलना स्टार्ट करेंगे। हमें इसे बड़ा नहीं बेलना, हमें हमारी कटोरी जितना बड़ा ही इसे बेलना है, और ज़्यादा पतला मत करना, थिक करना, सो दैट ये कड़क रहे और ऊपर से कड़क रहेगा अंदर से सॉफ्ट ही रहेगा, तो ही हमें मज़ा आएगा इसको खाने में। सो ये देखिए, हमने इसे कर लिया है, बेल लिया है। अब आप देख सकते हो कि हमने कटोरी लिया, कटोरी पे हम इसे सील करने वाले हैं। अगर आप अंदर से ना फ्राई नहीं भी होता, जो हम सील कर रहे हैं वो फ्राई नहीं होता, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो अब हमने इसको सील कर लिया है। अब इसको सील करने के बाद ना आपको इसे फ्राई करना है। तो फ्राई करने से पहले हमें थोड़ा सा डिज़ाइनर तो बनाना ही पड़ेगा ना, तो अब इसे डिज़ाइनर बना देते हैं। अब ना इसको फोक से डिज़ाइन दे देते हैं, ये टोटल ऑप्शनल है। हाँ, बाय द वे, अगर आप वाटकी ले रहे हो तो वाटकी को अच्छे से ऑयल करना। क्यों अच्छे से ऑयल करना पता है? इसे डीमोल करने को बहुत इजी पड़ेगा। अब इसमें हमने ऐसे काने बना दिए। क्यों काने बना रहे बताए? हवा निकल जाएगी तो ये फूलेगी नहीं और अच्छे से सपाट और अच्छी बनेगी। अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमारा तेल ऑलरेडी गरम था तो हमने इसमें कर लिया, इसे लो फ्लेम पे ही करना। और अगर आपको 1 से ज़्यादा चम्मच की ज़रूरत पड़े इसे फ्लिप करने को तो कोई वरी नहीं है, आप ऐसे कर सकते हो जैसे हमने किया। एक बार ये हो जाए ना फ्राई, तब आपको उसे निकालना है, पर पूरा ऑयल को ना उसे श्रिंक कर देना है, क्योंकि गलती से ना वाटकी में तेल रह जाएगा, तो आपको उसे पलटी करके ही निकालना है। और पूरा ऑयल एक बार निकल जाए उसके बाद ही आपको उसके बोल में रखना है, सो दैट ये ऑयली ऑयली ना रहे। चलो अब हम इसे डीमोल्ड करते हैं। डीमोल्ड करने के लिए देख सकते हो कि हमने इसके साइड के कॉर्नर्स को ना ऐसे निकाल रहे हैं नाइफ से, तो ये बहुत इजी रहेगा, ये जल्दी से निकल जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है, पर थोड़ा ठंडा होने के बाद ही करना, ठीक है। और एक चीज़, आपको ऑयल लगाने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप अच्छे से ऑयल लगाओगे ना तो आपकी वाटकी तुरंत ही एक ही झटके में डीमोल्ड हो जाएगी, नहीं तो आपको बहुत ट्रबल होगा और आपकी वाटकी ना, मतलब जो आपने बनाया, जो वाटकी चाट के लिए कटोरी बनाई है, वो फट जाएगी। सो आप देख सकते हो हमारे कितना ईजिली निकल गया है। जी हाँ, अब हम इसे फिल करेंगे। इसको फिल करने के लिए ना हमें क्या क्या चाहिए रहेगा? मूंग चाहिए रहेगी, दही चाहिए रहेगा, थोड़ा सा मसाला और चटनी। सो अब हम मूंग भर रहे हैं। पहले हम इसको ना 2 से 3 बार फिल करते हैं, क्योंकि हमें इसे बहुत हैवी बनाना है, और जनरली अगर आपको ऐसे करना रहता तो आप कर सकते हो। हमने मूंग को बाफ दिया था, बाफने के बाद ना हमने उसमें नमक नहीं डाला था, तो हम ऊपर से ऐड कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी नमक उसमें डाल रहे हो तो इसमें नमक बिल्कुल मत डालना। अब हमने ये चटनी ली है, चटनी जो ऑल पर्पज़ चटनी है वो, इसकी लिंक मैं आइकन में डाल रही हूँ, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। ये चटनी बहुत स्पाइसी रहती है और अच्छे से ब्लेंड करती है। अब हम दही ले रहे हैं, तो दही हमने ऑलरेडी गर्म कर दिया था गैस पे, और फिर उसमें हमने शक्कर डाल दी थी, सो ये मीठा दही है। अब ये दही को हमने सारे टोकरी में डाल दिया है। अब ये टोकरी में डालने के बाद हम ऊपर से क्यों मूंग डाल रहे हैं? क्योंकि हमें इसे अच्छा फिलिंग देना है, प्रॉपर्ली पूरा पूरा भर जाए उतना फिलिंग चाहिए, इसलिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं। एक बार दही ऐड करने के बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, तो इसमें मिर्ची डाल रहा है, धाना जीरा डाल रहा है, और सिका हुआ जीरा डाल रहा है। अगर आपको इसमें से ज़्यादा कुछ भी डालना है तो आप डाल सकते हो, और अगर इसमें से कुछ भी नहीं डालना तो भी ठीक है, इट इज़ टोटली ऑप्शनल। अगर ज़्यादा डालना है तो आप जीरा रू डाल सकते हो, चाट मसाला डाल सकते हो। आप सेव ले रहे हैं, सेव हमने घर पे बनाई हुई है बेसन की। अगर आपको चाहिए इसकी रेसिपी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, तो हम आपको बता देंगे कि कैसे बनाते हैं।
अब हमने सेव डाल दिया, अब हम इसमें थोड़ा सा ऊपर से दही डालेंगे गार्निश करने के लिए, और फिर हम उसमें थोड़ा सा सेव वापस डालेंगे और फिर लाल मिर्ची ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। तो हमारा टोकरी चाट रेडी है। और हाँ, अगर आपको और कोई भी रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना।